नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दीक्षित आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप में से कई बच्चों की क्वेरी थी एसएससी स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग, तो वो मैं आपको भी बता सकता था थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि मैं इस एग्जाम को क्लियर करके नहीं आया हूं, मेरे को स्टेनो के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं श्री कार्तिक नामदेव जी, जो खुद एसएससी स्टेनोग्राफर 2015 का एग्जाम क्लियर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक जी, वेरी वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। तो आप सबसे पहले बच्चों को बताइए इस बारे में कि जॉब प्रोफाइल क्या है एसएससी स्टेनोग्राफर की। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम कार्तिक। एज अ स्टेनोग्राफर मैंने लास्ट ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, मैं 2015 बैच से हूँ। तो बात करें अगर जॉब प्रोफाइल की स्टेनोग्राफर के, तो इसमें तीन ग्रेड पे हैं। फर्स्ट है 2400 ग्रेड पे, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2400 ग्रेड पेपर आते हैं, और भी कई सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं 2400 ग्रेड पेपर। और एक है 4200 ग्रेड पे, जिसमें कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं, और एक है 4600 ग्रेड पे, जिसमें अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कुछ मिनिस्ट्रीज और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि दिल्ली में ही हैं। तो इसमें बेसिकली पोस्टिंग जो है वो ऑल इंडिया रहेगी। हाँ, 2400 ग्रेड पे मोस्टली ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी, कुछ भी कोई भी आपको रीजन मिल सकता है, कोई भी स्टेट मिल सकती है। और 4200 और 4600 ग्रेड पे में? 4200 में मोस्टली दिल्ली है, जिसमें कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो मोस्टली दिल्ली ही मिलता है, अदरवाइज आपको कोई और स्टेट में भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। अच्छा, तो इसमें बच्चों आप जान सकते हैं कि इसमें 4600 ग्रेड पे भी है, जो कि आपको पता होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बराबर है, और जैसा कि इनने बताया कि 4200 ग्रेड पे भी है, जो कि दिल्ली पुलिस SI के बराबर है, तो वो काफी अच्छा है। और इसकी क्वालिफिकेशन जैसे क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन इसमें देखिए, आप 12th के बाद ही एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप 12th के बाद ही एग्जाम दे सकते हैं आप। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आप CGL देके अगर टैक्स असिस्टेंट, एज अ टैक्स असिस्टेंट कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो, अच्छा, क्योंकि टैक्स असिस्टेंट की भी 2400 ग्रेड पे होती है, और स्टेनोग्राफर जो कि आप 12th के बाद ही देके आ रहे हो, वो भी टैक्स असिस्टेंट के बराबर ही है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम भी उसका सेम ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आप 2400 ग्रेड पे 12th के बाद ही आ सकते हैं इस एग्जाम की। जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है केवल, आपको ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे, ये उन बच्चों के लिए फिर काफी अच्छा हुआ जिन बच्चों ने जस्ट अभी 12th पास करी और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल, जो तैयारी करना चाहते हैं वो 12th के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। जो सैलरी है वो भी एक टैक्स असिस्टेंट के बराबर, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो बच्चे खासकर ध्यान दें, खासकर वो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करें जो अपना अभी 12th पास करे हैं। तो फिर आप बताइए बच्चों को प्रमोशन एस्पेक्ट्स के बारे में। प्रमोशन के बारे में बात करें अगर स्टेनोग्राफर की, तो प्रमोशन स्टेनोग्राफर के काफी अच्छे हैं। देखें, अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, तो कुछ इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जो कि हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक मिनिस्ट्रीज में होते हैं। अगर हम ये मिनिस्ट्रियल और डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लेते हैं, तो हम एलिजिबल हो जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के एग्जाम देने के लिए, जो कि उसके नेक्स्ट ईयर होते हैं। वो पास कर लें तो तीन या चार साल में हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और वही टैक्स असिस्टेंट भी देता है, सेम उसका भी वर्क सेम है। तो और अगर मान लो कि अगर आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तब क्या होगा? तब ये होगा, अगर हमने ये एग्जाम दिए ही नहीं या हम पास नहीं कर पाते हैं, तो चार साल में हमारा एक प्रमोशन होता है। अभी हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटेड है, हमारा ग्रेड वही रहेगा, ग्रेड पे हो जाएगा हमारा 4200 चार साल में, सिर्फ हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो ब्रैकेट में DR है वो हट जाएगा, पोस्ट वही रहेगी, काम वही रहेगा, 4200 ग्रेड पे हो जाएगा, ये हमारा प्रमोशन है। उसके बाद में हमारा प्रमोशन एक और होगा जो कि ग्रेड 1 हो जाएगा, उसमें भी हमारा ग्रेड पे और बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, उसके बाद हम PS वाली लाइन में चले जाते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी वाली लाइन में चले जाते हैं। और अगर हम एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद ITO, उसके बाद कमिश्नर IRS वाली लाइन में चले जाते हैं। अच्छा। जो हमारे, जैसे सर जानते हैं कि हमारे जो अभी एडिशनल कमिश्नर जो हैं, इससे पहले जो थे वो शुरू में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 थे, उसके बाद वो प्रमोट हो के ITO इंस्पेक्टर, ITO AC JC, ऐसे करके एडिशनल कमिश्नर अभी बने हैं, और अभी 2-3 साल में उनका एक प्रमोशन और आने वाला है, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनने वाले हैं, CIT बन जाएंगे, CIT बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रमोशन एस्पेक्ट्स बिल्कुल सेम होंगे जो एक टैक्स असिस्टेंट का होता है, पर अच्छी बात बच्चों यहाँ पर ये है कि आप 12th के बाद आ सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और जो दूसरी बात है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन अभी जो है बच्चे उतना नहीं जानते, तो ये बताइए बाप कि इस पेपर में कितने टीयर्स होंगे, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे कितने पेपर है, किस तरह से सिलेक्शन होगा? देखिए, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, इसमें सिर्फ आपके दो टीयर होते हैं, प्रीलिम्स होता है और स्किल टेस्ट होता है।
प्रीलिम्स में वही जो नॉर्मल 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, बाकी अदर एग्जाम्स में जो आते हैं जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, वही सब इसमें आता है, और स्किल में आपकी स्टेनोग्राफर और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो प्रीलिम्स का बात अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में इसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि इसमें मैथ होता ही नहीं है, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारा मैथ्स वीक है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। और मार्क्स कैसे कैसे होंगे? मार्क्स इसमें ऐसे रहेगा, 200 का आपका ये एग्जाम रहेगा, जिसमें कि आपके 50 नंबर की रहेगी रीजनिंग, 50 की रहेगी जीके, और 100 नंबर की आएगी इंग्लिश, यानी कि 50 नंबर का मैथ हटा के 50 नंबर की इंग्लिश ही ऐड कर दी गई है। और इसके बाद अगर स्किल की बात करूं तो स्किल में आपको स्टेनो आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हिंदी की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपको टाइपिंग सिर्फ मंगल फॉन्ट पर आनी चाहिए, ये बात आप नोट कर लें कि मंगल फॉन्ट पर ही आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टेनो सीख रहे हैं तो आपको नॉर्मल टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि नॉर्मल होती है, यानी कि कृति देव पे नहीं करनी है, मंगल फॉन्ट पर ही हिंदी टाइपिंग सीखनी है। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि सी ग्रेड और डी ग्रेड है, हाँ, तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो अलग अलग जाएगी दोनों की? बिल्कुल, सी की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी और डी की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। सी हमारा 4200 और 4600 ये सी में, ग्रेड सी में 4200 ग्रेड पे और आपका 4600 ग्रेड पे आता है, और ग्रुप डी में, ग्रेड डी में आपका 2400 ग्रेड पे वाला आता है। हाँ, जरूर बच्चों, इस बात में आप कंफ्यूजन ना लें, ये ग्रेड डी एग्जाम है, नॉट ग्रुप डी। तो आप ये बताइए कि फिर जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा प्री जो आपने बताया और जो हमारा स्किल टेस्ट है, उसके बीच में कितना टाइम मिल जाएगा लगभग? देखिए, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका एक हद महीने में कुछ रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको लगभग 2 या 2.5 महीने या 3 महीने आपको स्किल के लिए मिल जाएंगे। ठीक। और उसके बाद में रिजल्ट आएगा कुछ वही स्किल का, 2-1.5 महीने में रिजल्ट आता है। ठीक। और ये पेपर जो प्रीलिम्स है उसका टाइम कितने ड्यूरेशन होगा? वो 2 घंटे का। ये अब ऑनलाइन हो गया है तो अब भी, हाँ, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, तो यानी कि आपको 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे मिलेंगे ऑनलाइन। एक क्वेश्चन बच्चों, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और टोटल क्वेश्चंस 200 है, टोटल टाइम 2 आवर्स है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं कुछ स्किल टेस्ट की। जैसा कि आपने बताया कि ग्रेड सी है और ग्रेड डी है, ग्रेड सी की कट ऑफ जो है टायर 1 की जो है वो ज्यादा जाएगी और ग्रेड डी की थोड़ी कम जाएगी, कुछ अंतर रहे? क्योंकि डेफिनेटली ग्रेड सी जो है वो हायर ग्रेड है, ग्रेड डी में सैलरी कम है। तो आप ये बताइए कि ग्रेड सी का जो स्किल टेस्ट होता है उसमें क्या प्रोसीजर होता है? ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी में ये होता है कि आपका स्किल के लिए, अगर ग्रेड सी के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, जो कि आपको शॉर्ट हैंड में लिखनी है। तो ग्रेड जो आपकी डिक्टेशन है वो कितनी देर तक चलती है? यानी कि ये 10 मिनट्स तक वो डिक्टेशन बोलेंगे 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। मतलब बच्चों की 100 वर्ड्स बोले जाएंगे 1 मिनट में, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलेगी जिसमें 1 मिनट में 100 वर्ड्स होंगे, यानी कि आपके 1000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। उसके बाद में आपको लैब में भेज दिया जाएगा, कंप्यूटर लैब में। तो कंप्यूटर लैब में जाते टाइम आपको हाल के हाल उसी इंस्टेंटली भेज दिया जाएगा, तो आपको सिर्फ ये बात नोट करने की है कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि आपने लिख लिया, आपको सीधे लैब में भेज दिया जाएगा टाइप करने के लिए, आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी लिखा है वही हमें, वही आपको हिंदी या इंग्लिश में टाइप करना है। तो आप फायदा यहाँ ले सकते हैं कि जब आपको कंप्यूटर लैब में भेजा जाएगा तो आप उस समय का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बातें करते करते चले गए, आपको उस टाइम वो पढ़ते पढ़ते जाना है कि मैंने जो लिखा है वो मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप टाइम का यूज कर सकते हैं जिससे आप वहां पर जाके डायरेक्ट टाइप कर सके। तो जो बच्चे जानते हैं कि शॉर्ट हैंड में जो हम लिखते हैं वो बिल्कुल एक अलग ही भाषा होती है, बिल्कुल कोडिंग टाइप की होती है, कुछ भी कॉमा मतलब कि कुछ और डिनोट कर रहा है, तो वहां पर अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है कि ये वर्ड का मतलब क्या है तो वो आप निकाल सकते हैं और रिमेम्बर कर सकते हैं, और बातचीत में टाइम वेस्ट न करके आप ध्यान दें कि आपने क्या लिखा है, ये बात क्लियर होगी। और आपको लिखने के लिए फिर टाइपिंग के लिए टाइम कितना मिलेगा उन 1000 वर्ड्स को? बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा कि टाइपिंग के लिए आपको ग्रेड सी के लिए मिलेगा 55 मिनट्स मिलेंगे 1000 वर्ड्स टाइप करने के लिए, यानी कि आपको वहां टाइपिंग स्पीड भी मेंटेन करनी है और साथ ही साथ आपको स्टेनो भी पढ़नी है, स्टेनो को समझना है, उसको टाइप भी करना है, और उसको आपको लास्ट में चेक भी करना है कि मैंने जो लिखा है उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीजें सही हैं कि नहीं है, कहीं मैंने, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो स्पेलिंग मिस्टेक की है, हिंदी में लिखा है तो कहीं मैंने मात्रा लगाई है नहीं लगाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर ग्रेड डी में फिर कितना टाइम मिलता है? ग्रेड डी में बताना चाहूंगा कि 80 वर्ड्स पर मिनट आपको बोलेंगे डिक्टेशन, यानी कि आपके 800 वर्ड्स हो गए, 10 मिनट्स सेम टाइम सेम रहेगा, 80 वर्ड्स पर मिनट यानी कि 800 वर्ड हो गए, और आपको जब लैब में भेज देंगे तो 60 और 65 मिनट्स कुछ आपको
टाइप करने के लिए देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि सर आपकी सैलरी कितनी है, तो आप कुछ बताना चाहें। सैलरी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अभी मेरी 2400 ग्रेड पे पर 40,000 ग्रॉस सैलरी है, जो कि इन हैंड मेरी आ रही है 36,000। तो यानी कि अगर जिन बच्चे जो बच्चे अगर 4200 ग्रेड पे के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उनकी जो सैलरी है वो 48,000 के आसपास ग्रॉस पहुंच सकती है, और अगर 4600 के लिए आप सिलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी समवेयर अबाउट 60,000 हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जो एक 12th क्लास पास बच्चे को 40,000 के आसपास आपको ग्रॉस सैलरी मिल रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एक उनके लिए ऑप्शन है। तो इस बारे में कुछ बताइए कि इसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह करी, या आप बच्चों को बताना चाहें किस तरह उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा कि जो बच्चे 12th पास किया है जिन्होंने, अगर वो इस पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं स्टेनोग्राफर की, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप पहले स्टेनो सीख लें। मतलब आप पहले, ऐसा नहीं कि आप प्री भी साथ में कर रहे हैं और आप ये भी साथ में कर रहे हैं, आप ऐसे ना करें, या फिर आप ऐसा ना करें कि सिर्फ आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, पता चले कि आपका प्रीलिम्स निकल गया और फिर आपको 2 या 3 महीने मिले हैं, उसमें आपको सीख स्टेनो भी सीखना है और उसी में आपको स्पीड भी बढ़ानी है, उसी में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि स्पीड बढ़ाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं सीखने में लगभग, अगर मैं चाहूंगी, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं, मेरे को स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं आता है, तो शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग मेरे को ढंग से सीखने के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए? देखो, आप अगर लग के तैयारी करोगे तो आपको 2 या 2.5 महीने में आप सीख सकते हो। मैं सीख जाएंगे, हाँ, सिर्फ सीख जाओगे, आप स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे, लेकिन हाँ, आपको काफी है, इनफ है, 2 या 2.5 महीने में आप सीख जाओगे, आप टाइपिंग भी सीख जाओगे और आप स्टेनो भी सीख जाओगे। तो यानी कि बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान दें, स्टेनो पकड़ लें, 2-2.5 महीने में आप उसको सीख जाएं, उसके बाद आप अपनी तैयारी में लग जाएं प्री की, और उसको थोड़ा सा बैक हैंड पे रख सकते हैं, जो भी आपने सीख लिया वो तो आप भूलेंगे नहीं, ABCD तो आप सीख गए स्टेनो की, बिल्कुल। उसके बाद एग्जाम दे दें, प्री क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आप अब अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे 2-2.5 महीने, क्योंकि आपके पास प्री का तो मटेरियल हो चुका, प्री आपका निकल चुका, अब आपको प्री की तैयारी, बिल्कुल प्री पर ध्यान देना नहीं है, यानी आपको सिर्फ फोकस करना है मेंस पर, स्किल टेस्ट पर, यानी कि अब आपको क्या बचा है, सिर्फ आपको टाइपिंग करनी है, स्टेनोग्राफर करनी है, स्टेनो करनी है, तो आप वही आप स्पीड बढ़ा, सिर्फ आपको स्पीड बढ़ाना है, टाइपिंग की भी स्पीड बढ़ाना है और स्टेनो की भी स्पीड बढ़ाना है। तो ये बताइए, फिर आपने इंग्लिश रीजनिंग जीएसए प्रिपेयर कैसे किया? तो इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस पेपर। मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ प्रीवियस पेपर पर ध्यान दिया है, जितने भी मैं टाइम लगा के प्रीवियस पेपर सेट पेपर लगाता था और बाद में उन्हें रिवाइज भी करता था। इंग्लिश के लिए एक बुक है जो कि MB पब्लिकेशन के लिए आप सब लोग जानते ही हैं, अजय केसिंग राइटर का नाम है, जिसमें सारे अभी तक के जितने भी SSC के एग्जाम्स हुए हैं वो आपको उसमें सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, उसमें वोकेबलरीज भी मिल जाएंगी और उसमें उन्होंने सॉल्व भी किया है कि कहाँ क्या एरर है, उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है, तो वही मैं रिवाइज करता रहता था, वो बुक मैंने पढ़ी हुई है। और उसके अलावा ग्रामेटिकल के लिए देखें तो मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी हुई है, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ी हुई है, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, वर्ब नाउन वगैरह, उसके बाद मैं सेट पेपर प्रीवियस पेपर पर ही ज्यादा ध्यान दिया है, ज्यादा फोकस वहीं किया है। वही मैं बच्चों को हमेशा से बताता आया हूं, मेन हमेशा जो भी बच्चा सिलेक्ट होके आ रहा है, हम भी सिलेक्ट हो गए, मेन जो की टू सक्सेस है वो केवल प्रीवियस पेपर है, वो तो आप बहुत अच्छे से करें ही करें, बिल्कुल, जब वो आप एक बार एक अच्छे लेवल पे आप उनमें मार्क्स ला रहे हैं, फिर आप कुछ और करें। और रीजनिंग के लिए फिर कैसे किया आपने? रीजनिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि रीजनिंग मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं, बट रीजनिंग के लिए मैंने ऐसा किया था, जैसे कि मैंने कोई प्रीवियस पेपर उठाया SSC स्टेनोग्राफर का, उसमें मैंने देखा कि फर्स्ट पेपर देखा, जैसे सीरीज वाला आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसमें मैंने देखा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, फिर अरियंत की एक बुक आती है जो कि रीजनिंग की है, उसमें मैंने डायरेक्ट वही चैप्टर निकाला, जैसे वो 7th चैप्टर था तो मैंने डायरेक्ट वही चैप्टर पढ़ा सीरीज वाला, फिर देखा कि सेकंड क्वेश्चन ये वाला आ रहा है, जैसे कि कोई आ गया, तो मैंने वही चैप्टर पढ़ा, मतलब वो चैप्टर पढ़ लिया, फिर देखा कि कुछ उसके एग्जाम्पल्स कर लिए कि इसका क्वेश्चन ऐसे होता है, तो मैंने सिर्फ मेन चैप्टर पढ़े, कहने का मतलब ये है। तो फिर GS के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी? GS के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे सभी शुरू में सभी लगाते हैं, तो मैंने भी एक कोचिंग लगा ली थी, 2 महीने गया मैं एक्चुअली वहां पर, देखा तो वहां पर क्या है, वहां नोट्स देते जाते हैं और डेली याद करने के लिए बोलते जाते हैं, कल ये रट के ले आना, कल वो रट के ले आना, तो मैंने कहा ये तो मैं खुद ही कर लूंगा।
तो जीएस के लिए एक्चुअली एक तो प्रीवियस पेपर ही मेन है। प्रीवियस पेपर में जितने भी सेट पेपर लगाता था उनको मैं बार बार रिवीजन करता था, जैसे 50 क्वेश्चंस मैंने आज कर लिए, उनको रिवाइज करता रहता था बार बार एक दो दिन छोड़ के, तो मेरे को कुछ रट जाते थे। और जीएस में देखें तो जैसे कि लूसेंट मैंने पढ़ी थी, लूसेंट में जैसे बायो दी है तो बायो के सबसे लास्ट में दो पेज पर कुछ फैक्ट्स दिए हैं, वो फैक्ट्स में पढ़ता था। फिजिक्स में कुछ फैक्ट्स दिए हैं दो पेज पर, वो फैक्ट्स में पढ़ता था। तो मेन देखा जाए तो फैक्ट्स मैंने पढ़े हैं, ज्यादा डीप में मैं गया नहीं। तो पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी स्पेशल स्ट्रेटजी या प्लानिंग रहती थी कि इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है? जी बिल्कुल, मेरी प्लानिंग रहती थी। एक्चुअली बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जैसा आप जानते हैं, स्टार्टिंग में आती है रीजनिंग, उसके बाद आती है जीके, उसके बाद लास्ट में आती है 100 नंबर की, 100 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं सबसे पहले इंग्लिश को करूं, यानी कि स्टार्टिंग के एक घंटे में मैं इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस करने की कोशिश करता था। उसके बाद 15 मिनट में मैं कोशिश करता था कि जीके निपटाऊं, 50 क्वेश्चंस जो कि आते थे 15 मिनट में मैं कोशिश करता था, क्योंकि उसमें सिर्फ हमको जो आता है वही हमको टिक करना है, इसलिए मैं कोशिश करता था कि इसको जल्दी से करें। जो नहीं आता था वो मैं छोड़ देता था और ज्यादा सोचता नहीं था उसमें। और उसके बाद मैं रीजनिंग करता था मैं 45 मिनट में। तो इस चीज का बेनिफिट मेरे को मिल गया था 2015 वाले एग्जाम में, क्योंकि उस टाइम पे रीजनिंग जो आई थी वो थोड़ी टफ आई थी। और क्योंकि स्टार्टिंग में रीजनिंग आती है तो सभी लोग स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, और वो आई थी थोड़ी टाइम लेने वाली। तो जो मेरे साथ के जो कुछ दोस्त तैयारी कर रहे थे उन्होंने स्टार्टिंग की थी रीजनिंग से, और मैंने स्टार्टिंग की थी इंग्लिश से, जो कि मैंने स्टार्टिंग के एक घंटे में इंग्लिश कर ली थी, उसके बाद 15 मिनट में मैंने जीएस कर ली थी, उसके बाद मेरे को 45 मिनट मिल गए थे रीजनिंग करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों ने क्या किया था, मेरे दोस्तों ने स्टार्टिंग में रीजनिंग कर दी थी और उन्हें रीजनिंग करने में 60 से 70 मिनट रीजनिंग करने में ही लग गए, 50 क्वेश्चन करने में 60 से, यानी कि हाँ उनको 50 क्वेश्चन करने में 60 से 70 मिनट लग गए, यानी कि उनके पास अभी पूरी इंग्लिश बची हुई थी, जीके भी बची हुई थी जो कि मैं कर चुका था। तो फिर इस तरह से तो आपके भी रीजनिंग के कुछ सवाल छूटे होंगे क्योंकि आपने बताया टफ था। तो यस, मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली मेरा एम था 45 मार्क्स लाने का 50 में से रीजनिंग में, लेकिन थोड़ी टफ आई थी, यानी कि मेरे 38-39 कुछ आए थे, कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी पोस्ट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनने अभी 12th पास किया है, जिनकी ग्रेजुएशन अभी या तो चल रही है, जिनने कंप्लीट नहीं करी है, और जिनने इवन कंप्लीट कर ली है वो भी इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो टैक्स असिस्टेंट के बराबर है, जो कि आप सीजीएल क्रैक करके आएंगे जहां कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और यहां पर आप इंस्पेक्टर के बराबर भी सैलरी पा सकते हैं 12th पास करके भी, अगर आप सी ग्रेड के लिए इसको क्लियर कर देते हैं, सी ग्रेड का एग्जाम जो है वो अपना क्लियर कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मुझे जैसा लगता है कि यहाँ पर कंपटीशन काफी कम है। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो सीजीएल 17 में 15 लाख बच्चे अपियर हुए थे, जबकि फॉर्म भरा था 30 लाख ने, और वैकेंसीज कुछ 10,000 थी, और सीजी और आपका स्टेनो 17 की अगर बात करें तो 2.2 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, और लगभग 3,000 के आसपास 2,946 वैकेंसीज थी। तो अगर बात करें तो प्री हम मानते हैं 2 लाख प्लस बच्चों ने दिया स्टेनो का, लेकिन कितने ही बच्चों को स्टेनो आती ही नहीं होगी, कई बच्चों ने बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया। तो वहां पर आप देख सकते हैं भरने के लिए बस 2 लाख बच्चे बैठ गए हैं, लेकिन कितनों को वहां स्टेनो नहीं आती है। तो आप ये बात समझ लें कि कहीं ना कहीं स्टेनो में कॉम्पिटिशन काफी कम है सीजीएल का कंपेरिजन करें, और जो पोस्ट आपको मिलेगी वो स्टेनो की वो टैक्स असिस्टेंट के इक्विवेलेंट होगी, और आप इंस्पेक्टर के बराबर भी सैलरी पा सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और एट द एंड कार्तिक बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए अपना टाइम निकाल के। मोस्ट वेलकम सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया से मेहनत करिए।